झारखंड में अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं, जिसके बाद से लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। इस बार उन्होंने कराने जाने वाले विकास कार्यों की तुलना टीवी अभिनेत्री के गालों से की है। एक विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा, जामताड़ा की सड़कें कंगना रनौत के गाल से ज्यादा चिकनी होंगी। हालांकि जामताड़ा विधायक ने बाद में अपनी जबान फिसल जाने की बात कही है। आपको बता दें, इससे पहले भी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची की योग शिक्षिका राफिया नास के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिस बयान से जामताड़ा विधायक पर महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगा था, जिसके विरोध में पीड़ित योग शिक्षिका ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बावजूद जामताड़ा विधायक ने एक बार फिर वही गलती की है। आपको बता दें, कोई पहले नेता नहीं है, इनसे पहले भी नेता ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते कई साल पहले बिहार की सड़कों को अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाने की बात कही थी, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा रहा। उनके खिलाफ कई थानों में FIR भी दर्ज कराई गई थी। दरअसल कांग्रेस इस समय दिन रात महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक अपनी पार्टी की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, 14 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, ये फिल्म अदाकारा जो कंगना रनौत है उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूँ, और हमारे आदिवासी बच्चे उसमें चलेंगे, युवा वर्ग चलेगा, व्यवसायी चलेंगे, चकाचक सड़कें बनेगा। ये काम इरफान अंसारी का है।